ओ नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टूर है चितई गोलोक मंदिर का। दोनों हमारी रानियां तैयार हैं, एक लाल और एक ग्रे। तो हैं हम 8-10 लोग फैमिली वाले, जाएंगे चितई मंदिर और फिर दिखाएंगे ईजा लोगों को भी, अल्मोड़ा जू के दर्शन कराएंगे। मिलते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते रहिएगा। तो चितई गोलू मंदिर में चढ़ती हैं घंटियाँ, घंटियाँ ले ली हैं एक हमने और एक दीदी ने। तैयारी हो रही है घर से मंदिर की तरफ जाने के लिए। साथ में हैं तेजू की नानी, तेजू की दादी, तेजू के ताऊ, ताऊ और ताई, बुआ, दीदी, मम्मी, पापा। चेतु को भी लगा दिया मम्मी ने टीका, लगाने में कर रहा है नखरे। तो अब घंटियों को उठाते हैं, रखते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हैं आज, देखते हैं बारिश होती है क्या होता है। तो अब सभी सामान रख दिया है गाड़ियों में, अब है बैठने की तैयारी और अब चलते हैं सभी लोग। अब इंतज़ार हो रहा है सभी लोगों का रोड पर पहुंचने का और गाड़ी में बैठने का। तो राजूदा चले गए हैं, चलो चलो चलो। पहुंच चुके हैं धारी चौरा पेट्रोल पंप पर और भराते हैं दोनों गाड़ियों में यहाँ से ही पेट्रोल। अब पहुंचने वाले हैं गणाई गंगोली। तो वो कर लिया है गणाई क्रॉस और यहाँ पर से नीचे गिरी थी एक कार कुछ दिनों पहले, तो लोग वही देख रहे हैं, कोई अमरनाथ यात्रा पे निकले हैं टूरिस्ट। तो कहाँ गिरी है, सुमित कर रहा है रिकॉर्डिंग। तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने पे दिखाई दे रही है गिरी हुई कार। पहाड़ों में ड्राइव करते टाइम सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी से चलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप पहुंचने वाले हैं सेरा घाट। सेरा घाट पहुंचते पहुंचते काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, चेहरे पे पसीना आप देख सकते हैं, सभी लोगों को उमस हो रही है। कुछ लोगों ने खा रखी है वो उल्टी रोकने की दवा, तो उन्हें आ रही है नींद। तेजू लगी है खिड़की पे हवा खाने में, क्योंकि सेरा घाट में गर्मी बहुत होती है। मेरे चेहरे पर भी आप पसीना देख सकते हैं। धौलछीना पहुंचने में अभी 4-5 किलोमीटर बाकी है और यहाँ हो चुकी है काफ़ी तेज़ बारिश, काफ़ी भारी बारिश हो रही है। रोड भी काफ़ी उबड़ खाबड़ है, इस बीच चलाने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है ऐसे में। तो बड़ी सावधानी से हम जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से ही जाएंगे। बारिश काफ़ी हो रही थी धौलछीना के पास, अभी थोड़ी यहाँ कम है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे चितई मंदिर, लगभग 1 घंटे में फिर मिलते हैं मंदिर पे ही। पहुँच चुके हैं बाड़ीछीना, यहाँ से लेफ्ट को रोड जाती है धनिया पिथौरागढ़ जागेश्वर धाम को, और राइट साइड वाली जाती है नैनीताल हरिद्वार देहरादून दिल्ली।
लो जी, पहुंच चुके हैं चितई गोलजी के मंदिर के पार्किंग में। काफ़ी बड़ी पार्किंग आजकल बना दी है और अभी बन ही रही है और भी ज़्यादा बड़ी, और हमने भी ले लिया चढ़ावा यहीं पर से सभी लोगों ने। अब यहीं से हम शॉर्ट रास्ते से निकलेंगे मंदिर की तरफ। तो सभी लोग अब आ रहे हैं, धूप भी लग रही है, गर्मी हो रही है उमस से थोड़ी, मुझे कवर हल्के कर हल्के रखी बादल है। लगे हैं। सामने पे देख सकते हैं काफ़ी महंगी ये महंगी देख करोड़ों की गाड़ियां भी यहाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे खड़ी है एक फरारी, इतनी महंगी देखो गाड़ी यार है, कितने अमीर लोग रहते हैं कुछ पहाड़ों अखबार में। है क्या? ऐसी फरारी यहाँ रखी पड़ी है, वो भी खुले में काफ़ी दिनों से, महीनों से। मुझे उसका मालिक तो अभी हम जा रहे हैं एक पार्किंग वाले रास्ते से, ये मुख्य रास्ता नहीं है, मुख्य रास्ता फिर आगे से है। तो यहाँ से भी गेट है मंदिर का, यहाँ से भी जा सकते हैं। पहले तो मेन यही था भाई। तो पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। ये एक दूसरा रोड से भी, एक दूसरा गेट ये भी है, यहाँ से भी लोग आते हैं। जूते चप्पल यहीं पर उतार लेते हैं, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। जय गोलुदेव। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से हैं चितई गोलजू, गैराड़ गोलजू, चंपावत में है गोलजू का मंदिर, घोड़ाखाल में है गोलजू का मंदिर। ये काफ़ी प्रचलित है और लोग धारणा है कि गोलजू न्याय के देवता हैं और भक्तों को त्वरित न्याय प्रदान करते हैं, और भक्तों की इच्छा पूर्ति के बाद भक्त यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। और इस वजह से यहाँ कैसा लग रहा कई है? अनेक अनेक प्रकार की, आप अनेक अनेक आकार की घंटियाँ देख सकते हैं। और भक्त यहाँ अपनी कामनाएं एक चिट्ठी के रूप में लिखते हैं, जो आप देख सकते हैं कितनी चिट्ठियाँ लटकी हैं मंदिर में, और बॉन्ड में भी, स्टाम्प पेपर में भी यहाँ भक्त अपनी बात रखते हैं। तो काफ़ी भीड़ लगी है मंदिर में अभी, काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गोलू देवता को गौर भैरव यानी कि शिव जी का अवतार भी माना जाता है, और ये भक्तों को तुरंत न्याय देते हैं। इस वजह से यहाँ भक्त काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, काफ़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। और ये गंगनाथ बाबा जी के भी गुरु और मित्र माने जाते हैं, गंगनाथ बाबा ने इन्हें बड़ा भाई माना था। तो ये देख सकते हैं न्याय यात्रा, दिल्ली में बेटियों पे हुए जुल्म के लिए भी, न्याय के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग। तो देख सकते हैं भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, मैं भी यहाँ लाइन में लगा हूँ, देख सकते हैं आप। कुछ इतिहासकारों की माने तो गोलू देवता 1638 से 1678 तक चंद वंश के राजा रहे, और वो काफ़ी न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा रहे, और उनकी मृत्यु भी युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त होकर हुई, और इस वजह से उन्हें काफ़ी लोग मानते हैं, तब से ही भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो काफ़ी न्यायप्रिय, शक्तिशाली और एक आदर्श राजा रहे, तो लोग उन्हें भगवान के रूप में भी पूज। देख सकते हैं मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में घंटियां लटकी हुई हैं, अनगिनत तारों की तरह। उसी प्रकार बॉन्ड पेपर और चिट्ठियां भी लटकी हुई हैं।
देखे स्टाम्प पेपर भी यहाँ लटके पड़े हैं। लगभग 2 घंटे हमें लाइन में खड़े खड़े हो चुके हैं, तो अब कुछ ही देर में मंदिर गोलू देवता जी के दर्शन होने ही वाले हैं। तो आप रे, आप देख सकते हो कि कितनी चिट्ठियां लटकी हैं। तो सामने पे है गोलू देवता जी का मंदिर, मुख्य मंदिर, जहां पर फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर आपको फोटो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। तो सामने पे बैठे हैं मम्मी जी लोग। मंदिर का पूरा परिसर घंटियों और चिट्ठियों से भरा पड़ा है, जगह जगह बिल्कुल कागज ही कागज, घंटियां ही घंटियां हैं। छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे भी हैं, शनि मंदिर और गोलू देवता जी का मंदिर। पूरे मंदिर परिसर के अंदर काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं। देवी माँ का भी मंदिर मैंने देखा था यहाँ पर। तेजू भी काफ़ी थक चुकी है, अपनी मम्मा की गोद में बैठ चुकी है, क्योंकि यहाँ सबका फास्ट था, सभी लोग थकान महसूस कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन करके बैठ चुके हैं। घंटियों की प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और थोड़ी देर में घंटी बांधेंगे। तो अब कर लेते हैं गोलजियों के दर्शन और करते हैं मोबाइल ऑफ। तो दर्शन हो चुके हैं, अब आ चुके हैं बाहर। गोलू देवता से हर चीज़ का शुक्रिया कर दिया है और अब यहाँ पे भी पूजा पाठ हो चुकी है और थोड़ी सी पूजा पाठ और करनी है, और उससे पहले यहाँ पर बांधते हैं घंटी। तो जगह ढूंढ रहे हैं और जगह मिल चुकी है, अब यहाँ पे बांधने का जुगाड़ देखते हैं। सुमित को बिठाना पड़ेगा कंधे पर, तभी ये बांध पाएगा। क्या मैं बैठूं? मेरे को मेहमान आएगा। बैलेंस करो, सिर पे रख लो, सिर पे रख लो, इधर से इधर की लाइन अपने कहा घर वाले तो घंटे के अंदर फिर बता लो। अरे बांधोगे कैसे, काय से बांधोगे भाई? ये डोरी देख लो, रखी है डोरी के लिए, वहां डोरी घंटी नहीं है उसमें, इधर से घंटे भी नहीं है झोले में, ये चुन्नी ले ले। गिरे ना ये चुन्नी, हाँ ऐसे ये ऐसे बनता ना, ये कहाँ पे जाएगा इसके अंदर? हाँ ये एक छुरी से बांधना है। और अब थोड़ा सा संकल्प यहाँ पे कर लेते हैं, पंडित जी से करवाते हैं। तो यहाँ पर है देवी माँ का मंदिर, तो यहाँ पे भी गोलजी की एक मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलजी की प्रतिमा। मंदिर परिसर में अभी भी काफ़ी भीड़ भाड़ है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। तो मंदिर से जाने से पहले थोड़ा फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, भूख और गर्मी से सबके चेहरे के रंग उड़े पड़े हैं, फिर भी फोटो खिंचवा ही लेते हैं। चेतू भी काफ़ी खुश है आज ताऊ की गोद में।
एक बार पुनः इस घंटियों वाले मंदिर के दर्शन कीजिएगा। और अब मैं भी थोड़ा फोटो वीडियो खिंचवा ही लेता हूँ। देख सकते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में घंटियाँ और चिट्ठियाँ। तो अब चलते हैं धीरे धीरे घर को, भूख भी लग चुकी है, खाना खाएंगे नीचे मार्केट में। देखिए कितना भव्य नज़ारा दिख रहा है, घंटियों के बीच से हम गुजर रहे हैं। तो ये मुख्य गेट वाले रास्ते पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से देख सकते हैं सारे रास्ते भर घंटियाँ हैं। कुछ सालों पहले जब मैं आया था तब इतनी भीड़ भाड़ और इतनी घंटियाँ नहीं हुआ करती थीं। अब तो बिल्कुल कोई घंटी लटकाने को जगह ही नहीं मिल रही है। देख सकते हैं घंटियाँ ही घंटियाँ मंदिर परिसर में, हर आकार की घंटियाँ हैं और भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आप रोड की तरफ, इस तरफ से किनारों पे कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं खिलौनों की और पूजा पाठ सामग्री की। तो मैं आ चुका हूँ रोड पर और मेरे साथ वाले कहाँ चले गए मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे चप्पल मंदिर के दूसरी तरफ ही हैं तो अभी मैं हूँ नंगे पैर। तुम यहाँ पर देख सकते हैं घंटियों की काफ़ी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पर, खाना खाने की तैयारी चल रही है, खाना भी आ चुका है, जोरों की भूख लगी है, खा लेते हैं फटाफट। तो अब पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा जू पर हम लोग, तो जा रहे हैं बाघों को देखने। तेजू पहले भी यहाँ आई हुई है पिछले साल, तो अपने पिछले साल की स्टोरी अपनी दीदी को सुना रही है। और अभी हमारे साथ में कुछ नए सदस्य भी आए हैं, जैसे भाभी सुमित, ये भी पहली बार देख रहे हैं। ईजा शायद पहली बार देखी है, क्योंकि यहाँ पर बैठा है बाघ। बाहर आएगा ना फिर करेगी बाघ। तो करता हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गुरु देवता, सबका कल्याण करना।